आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप तशरीफ़ रखिए, मैं उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीज़ नहीं, कोई सन्यासी होता वो पारी नहीं होता, उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं तो नहीं। अब शादी करने में ये बात समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ इस साल 86 शादियाँ हुई, 80 और 6, हर साल 75 से लेकर 86-85 तक शादियाँ होती हैं, और करीबन 10 साल से चल रहा है, ज़्यादा ही, और मेरे ख्याल से 3-4 शादियाँ गड़बड़ हो गई, वो भी हमारे यहाँ की लड़कियों के खोपड़ियाँ ख़राब है, इसलिए बाहर की लड़कियाँ बहुत समझदार। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने जो सहज को ले लिया, पूरी तरह से लिया, यहीं की लड़कियाँ गड़बड़ हैं जो जाकर वहाँ तमाशे करती, 5-6 यहीं की लड़कियों ने बहुत सताया, और कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि झूठ भी बोलते हैं अपने लड़कियों के बारे में, एक पगली लड़की की शादी कराते, किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है। तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नज़र घूमे, वो नज़र ठहर जाएगी, नज़र ठहर जाएगी, परदेशियों से परदेशी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नज़र माँ बड़ी ख़राब हो गई, हर समय नज़र फिरती, क्या करें। अच्छा, इधर भी काफ़ी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में, इधर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में नहीं है, कोई नज़र नहीं इतनी फिरती उनकी, तो इस नज़र को कैसे रोका। मैंने कहा ज़मीन की ओर देख के चलो, वो अब भी ज़मीनी की ओर देख के चलते हैं, उसमें 3 फुट की सब चीज़ दिखाई देती है, 3 फुट पर अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज़ आए क्या। और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उलट चीज़ें, उल्टी चीज़ें भी चाहते हैं, जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे ना। तो आप जो चीज़ मांगते हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जो हैं, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिज़ायर्स या इच्छाएँ जो हैं उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं, नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ ना कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति आईएएस में आ जाए, आईएएस में आ जाए। मैंने कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है, ठीक है तुम्हारे पति काफ़ी रही से आईएएस में आने का, बहुत पीछे मेरी जान खाई, आईएएस में आना चाहिए, आईएएस में आना चाहिए। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से आईएएस में, तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहाँ पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था उनका और एक लड़की, वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया। मैंने कहा देख, उसके बाद से पगला गई। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती जाती है, ये पहचान, आप समाधान को प्राप्त करते हैं, समाधानी होते जाते हैं, ये पहचान, आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है, माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय है, सब एक ही बात सोचते हैं, उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता और मनुष्य समाधान में आ जाता। फिर कहता है जैसे राखहू तैसे ही रहूं, फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था,
और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। पर आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊँ, रास्ते पे सो जाऊँ, पत्थर पे सो जाऊँ, उससे फ़र्क नहीं, सोने से मतलब। तो अनमनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद सोचता है। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे बेर खा लिए, विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात। विदुर रियलाइज सोल, शबरी रियलाइज सोल थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी उलते रहता है। क्या सवाल है साहब? क्या आप सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामीप्य देती हैं? ये कोई सरकारी नौकर लगते हैं मुझे। अरे बेटा, ये प्यार की बात है, प्यार में कौन सी तुम चाह तुम्हारी परीक्षा लूँ, मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होगी? तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम दो। और सामीप्य क्या है? हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामीप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर रहता है। आश्चर्य, दूरी में ही उसे मजा आता है। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हो, मैं काय को देने चली, वही अपनी सजा कर लेती। देखिए, अभी अगर आप माँ के आँचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आँचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग हैं ही, फिर मार खाते हैं आप। पर मैं कोई सजा नहीं देती, वो अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आराम से बैठे हो, काय को भागते हो, तुमसे मेरा क्या लेना देना बनता है, कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफ़ी मांगने पर आप सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफ़ी कर गए? अरे हाथ हो गई, ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर है। अरे साहब, मैं कोई सरकार हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफ़ ही करती, मेरा स्वभाव ही माफ़ करना है। मेरे तो मन में एक बात टिकती नहीं, एक मिनट भी नाराज़ी भी मुझे अगर दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सोंग लेना पड़ता है, नाटक, और दो मिनट से ज़्यादा तो मैं सीरियस रह भी नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास से, तो मेरी हंसी सुनियो, कहा माँ हंस रही, मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा, भाई क्यों तुम्हारे गुरुजी ने हंसते? कहा साहब, उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो बेकार, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए हैं, मौज करने आए हैं कि सुतक करने आए? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सहयोग चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? कैन, वी हैव वेज एंड मेथड्स, लव इज सच, कैन चेंज एवरीथिंग, विल टेल यू हाउ टू डू इट। चाय नहीं लाए? अच्छा, चाह मुझे गाँव लाना मतलब। सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा, अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाके। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब हैं, यहाँ बहुत सारे लाट साहब हैं, दिल्ली तो भरा हुआ है। अब वो कहते हैं माँ मुझे आप ही से मिलना, हो गए गए काम से आप। आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सब एक, आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज़ है, जिसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है, आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग बात है। तो सेंटर में जाना होगा,
आप खुद ही समझ लेंगे, ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जान लीजिए। सहयोग के विषय में मार्गदर्शन कितने सेंटर्स हैं दिल्ली में? 20 सेंटर हैं। यह है सवाल, दिल्ली में सहयोग के विषय में मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो डॉक्टर साहब से पूछिए। देखिए, आपका जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यह हमारे राइट साइड में दिल्ली में जितने सेंटर्स हैं, 20 सेंटर्स हैं, उन सबके एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं, वो आप एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। नए लोगों के लिए हर बुधवार को सफदरजंग क्लब में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पर हम आपको सब शुरू से सहयोग के बारे में बताते हैं, हर बुधवार को शाम को 6:30 बजे, और हर शनिवार को कुतुब होटल के पीछे हमारा एक सेंटर है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, वहाँ पर हम आपको हमारी मीटिंग होती कलेक्टिव, और जो लोग भी आते हैं जिनको जिस प्रकार की तकलीफ होती है, अगर आपकी कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ है या किसी प्रकार की आपकी कोई परेशानी है, हर परेशानी का समाधान हम आपको बताते हैं। वहाँ पर हम आपको ध्यान करना बताते हैं, किस प्रकार से निर्विचार समाधि में जाते हुए बतलाते हैं, किस प्रकार से आपके चक्रों के बारे में तकलीफ हो या अच्छाई हो वो सब बतलाते हैं। आप सिर्फ वहाँ पर आइए बस, और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सब आपका पूरी तरह से देख रेख होगी वहाँ पर। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले, तो हर तरह के आदमी आते हैं, कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, क्यों दरवाजे खुले हैं ना। अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं, ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उस पर विश्वास नहीं करें, आप सीधे वहाँ के सेंटर के जो मुख्य हैं उनसे बात करिए। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है और दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं उनमें इतनी गर्मी आ जाती है कि उनसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा वंडा रखिए तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे, बड़े गुस्से ले तप्त तो होते हैं। सहयोग में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगता है? इसमें निपुणता की बात नहीं बेटे, ये कोई स्टडी नहीं है, मैंने आपसे बताया ना, ये जीवन प्रक्रिया है। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे ऐसे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विकल्प समाधि हो जाती है, फिर आप समय से परे ही हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते हैं, और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते हैं। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में लगते। एक साहब है वो अभी तक बैचलर हैं, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे, मेरा सर रोज़ खाते हैं। कर्मकांड, क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती हैं? बिल्कुल नहीं, बेकार। ये तो ऐसा है, अरे साहब हद हो गया, मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते हैं, कीड़े मकोड़ों तो मारना ही चाहिए, कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को? ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की ज़रूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट्स, अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों को हम अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाओ, क्योंकि इनके बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अब अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड हैं तो आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए, सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए,
क्योंकि वैसे आप हो जाइएगा, दूसरी कोई बात है। ऐसे हैं बहुत सारे, अच्छा किसी ने कहा कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आई, ठीक हो गए बहुत से लोग। आपको मानव के रूप में पूजो या भगवान के रूप में? श्री माता जी मैं मांगते क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजो या भगवान के रूप में, मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा, कृपया समाधान करें। आप ठीक बात, आप मुझे बिल्कुल मत पूजिए, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आँख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते, यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ ये ठीक बात, इन्होंने कहा कि जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूमने लगती हैं और कहते हैं उनमें माता जी आ गए और हनुमान जी आ गए। अरे बेटे माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है, ऐसे हरेक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहने, ये तो भूत है भूत। और हनुमान जी बाबा उनको कौन झेल सकता है, ये सब भूत है, भूत चेष्टा है ये सब के। बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इसमें बनते भी हैं, दो चार झापड़ दो तो ठीक हो जाए, पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कूल ब्रीज हाथ में आए लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है, एक में ज़्यादा एक में कम और सर में कम आती, और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिसे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है, और सर में बहुत सारे आवाज़ आती। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पर जाएँ और ये सब बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे। 4 महीने बस नौकरी नहीं, एक साहब ने कहा है कि मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगी। इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब हैं और उनको ध्यान करने से ठीक होगा। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो हो गया, एक बात आपसे बता दूं बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही हो। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो गया। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं माँ घर में बैठ के ध्यान करते हैं, वो नहीं चले। आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए, जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या हैं, उससे पहले आप नहीं जान सकते। सबको सामूहिकता में आना चाहिए और उसके सिवाय आप ठीक नहीं हैं। काड़ा कपड़े थी सेंटर वर्क तो सांगते
हाँ, ज्यांनी पत्र लिहिलं आहे त्यांनी कृपा करून सेंटरवर यावं, हे सगळं बघून सांगतील तुम्हाला काय काळे कपडे वगैरे घालायचे काय असेल ते. हृदयाला छिद्र आहे. हाँ, बच्चे को ले आइए, कुछ कुछ बच्चों का ठीक हो गया है हृदय का छेद. निर्विकल्प समाधी प्राप्त करण्यासाठी काय करावं? हाँ, निर्वकल्प समाधि के लिए कुछ करना नहीं है, अपने चक्रों को साफ करना है और सामूहिकता में उतरना है. धीरे धीरे अपने आप घटित हो जाएगा, आप खुद ही निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर बताना नहीं पड़ेगा. जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते आपको सहयोगी नहीं कह सकते. अच्छा, इन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाई गई और हमें क्यों बनाया गया. इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मज़े करें. दूसरे यह है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और बाहर प्रदेश में लोग अमीर हैं, और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों है. हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त हैं. ना पॉलिटिशियन देशभक्त है, ना ही लोग देशभक्त. जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है. वहाँ से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पर चला जाता है. अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ, और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती है तो हम कर्जे में हो जाते हैं. इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है तो हम लोग रईस कैसे होंगे. और ऐसे ही लोगों को आप इलेक्ट करते हैं जो माँ पक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के. क्या करें, ये आप लोगों का दोष. और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते हैं. क्या कह रहे हैं आप लोग? अल्टरनेटिव हैं भाई साहब, अब समझे आप? अब आप लोग अल्टरनेटिव बनिए. एक दिन हमने ऐसे ही कह दिया कि अब सहयोगी आने वाले पॉलिटिक्स में, तो सारे न्यूज़पेपर वाले आए मेरे पास. मैंने कहा ए भगवान, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम लोगों का अगर पीछा लगने वाला है तो हम लोग नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स. सब ठीक होता है, एक हद होती है हर एक चीज़. हाँ, ये लड़की जो है डेफ एंड डम है. ऐसे दो बच्चे ठीक हो गए लंदन में, और एक हमारा स्कूल है दिल्ली में, नहीं बम्बई में, वहाँ जो साहब डेफ एंड डम के टीचर थे उनको स्पेशल प्राइज मिला हुआ है गवर्नमेंट से. उनका मान करने का अभी लास्ट के सब लोगों का किस किस का मान करना है वो लिख लीजिएगा. एक प्रार्थना है, जो लोग गेट के पास बैठे हैं कृपया, नए भाई बहन हमारे और आ रहे हैं, थोड़ा सा साइड में आ जाए, काफ़ी जगह साइड में है, गेट को छोड़ दें कृपया, दोनों साइड के गेट छोड़ दें. इन्होंने अपने पति के बारे में लिखा कि उनके दुकान पे नहीं जाते हैं, वहाँ बैठते नहीं और क्या क्या, और उसे व्यापार नहीं ठीक हो रहा. अब आप अपना चित्त इन सब चीज़ों से हटा के थोड़ी देर परमात्मा को लगाएं, पार हो जाए, सब चीज़ ठीक हो जाती. आपको मैंने बताया कि लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, और अब सहयोग में एक भी इंसान नहीं है जिसके पास रोजगार नहीं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं. सो आप पहले सहज में ध्यान दीजिए.
भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर के क्या मांगना चाहिए? आत्मा का दर्शन। एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे शूद्र और सबसे गिरे हुए लोग कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर भीख मांगते। जहां देखो वहां हजारों ऐसे मिल जाते। अब ये किसी सहयोगी ने दिया है, चोर कौन है, उठो। इसका जवाब बाद में देंगे। ना, ध्यान लगाते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना सब बंद करिए, मंत्र सब बंद करिए, बाद में आपको पता होगा कि कौन से मंत्र कहाँ कहने चाहिए। आप मंत्र कह रहे हैं, शिव जी का तकलीफ आपको राम जी से है, सो मंत्र का भी बड़ा साइंस है, वो सीख लीजिए। आपने एक सवाल पूछा है कि सहज में अंतर्गत सभी मार्ग सहजता से हो जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, पर आपको पहले सहज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप सहज नहीं हैं। खाना इधर से खाने की जगह आप इधर से खाएं और कहें कि माँ खाना ही नहीं पहुँचता, तो उसे हम क्या करें? पहले बिल्कुल सहज हो जाना चाहिए। दूसरी है, कृपया निर्विकल्प समाधि स्पष्ट कर दीजिए। सो कल करेंगे। ठीक है, इलाहाबाद में कोई है नहीं, शुरू कर दिया है। वहाँ त्रिवेणी संगम में सब बैठे हैं ना भूत। जहाँ जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ बिल्कुल हालत खराब, वहाँ वहाँ सहयोग बड़े मुश्किल से होता, क्योंकि सब पैसे खाओ लोग बैठे हैं वहाँ, उनके बीच सर्च कैसे बना है। पर तो भी चल पड़ा है, कह रहे हैं हो गया है, आप पूछ लेना पता। आई लखनऊ में भी है, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी, लखनऊ में बहुत बड़ा सेंटर। सहयोग कैसे करें? आपने कहा सहयोग कैसे करें, मैंने हो गए आप सहयोगी, आप आइए सहयोग सीखिए और आप समझ जाएंगे। ध्यान कैसे करना? आप आइए सहयोग में, ध्यान करना सीख जाइए। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। यू नो क्वेश्चंस फ्रॉम द वेस्टर्न सहयोगीज। ये बैठ गए, जब मस्त हुए फिर क्या बोले, ये हालत है इन लोगों की। देखिए, रविवार को हमारे यहाँ मॉर्निंग में भी प्रोग्राम होता है, आप कृपया इस पते के पर्चे को ले लीजिए। अच्छा, हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। स्नेह बख्शी जी, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर इन लोगों से मिलिए और आप बहुत कुछ कार्य कर सकती हैं। आपका नाम ही स्नेह है, सारा कार्य स्नेह का है, स्नेह की स्निग्धता से सारा कार्य हो सकता है। बहुत खुशी की बात है कि आप चाहती हैं कि अपना जीवन सहयोग में अर्पित करें। इसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं, ना बीबी बच्चे छोड़िए, ना कुछ छोड़िए, कोई छोड़ना क्या, ये है क्या छोड़ने लायक पत्थर? कुछ छोड़ने का नहीं, ना हिमालय में जाने का, यहीं रह के दिल्ली शहर में, इससे भागने की ज़रूरत नहीं, इसी को ठीक करना है। तो
गुरु तौर पर कैसे ठीक करें? गुरु तत्व किस तरह जागरूक करने के लिए क्या करना होगा, ये लोग सब बता देंगे आपको। और वैसे भी गुरु की यहाँ पूजा होती है, गुरु पूजा, उसमें गुरु तत्व जागरूक हो जाता है। एक साल हो गया उनको वाइब्रेशन नहीं आ रहे, क्या बात है? शादी हो गई आपकी? पहले शादी नहीं होगी तो शादी कर लो, फिर बात करना। अच्छा, जिनको वाइब्रेशन नहीं आ रहे, रुक जाए, अभी ये सब वाइब्रेशन देंगे आप। जिसको लेना है वाइब्रेशन, आप बैठे रहिए थोड़ी देर, ये कर देंगे, हो गया? हाँ, तंदुरुस्ती के लिए भी आप रुक जाइए, ये बता देंगे। अच्छा, वो आप लोग आए, इतनी दूर आए हैं, अब नज़दीक वाले जो आपके सेंटर से उसमें जाइए। आज म्यूजिक बिल्कुल नहीं रखा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली वालों क्या हो गया? एक तो गाना होना चाहिए बाबा, मान लेते हैं कि सहज में विभिन्न चक्र साफ हो जाते हैं, हमारे भी ठीक होती है, परंतु इसका संसारिक कार्यों से जैसे ना। ठीक सवाल पूछा आपने, सहज में मान जाते हैं कि सहज में विभिन्न चक्र साफ हो जाते हैं, इससे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और परंतु इसका संसारिक कार्यों से जैसे नौकरी व्यवसाय में संबंध क्या है? आप इस कदर निपुण हो जाते हैं, आपका चित्त इतना गुणग्राही हो जाता है कि आपका बिजनेस, आपकी संसारिक चीज़ें बहुत ज़ोरों में बढ़ती। अमेरिका में एक देवी जी को हमने रियलाइजेशन दिया, उसकी एक दुकान थी, तो उसने मुझसे कहा कि माँ, जब से मुझे रियलाइजेशन हुआ, पहले तो मैं एक एक लिख के रखती थी, उसका हिसाब किताब रखती थी, और ये जोड़ते रहती थी, वो करती थी, तब से वो भूल गया मुझे, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है कि ये कैसे हो रहा समझ में आता। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाएगा, विश्वास रखिए। संसारिक चीज़ों में तो आप कमाल के हो जाते हैं, आपका घर द्वार, आपके बच्चे, आपकी आर्थिक परिस्थिति, लक्ष्मी जी का वरदान होता है, सरस्वती जी का वरदान होता है आप पे, काली जी का वरदान होने से आप पे सुरक्षा होती, हर तरह का वरदान आपको सहयोग में मिलता है। पर पहले उसके साम्राज्य में तो आओ, आप तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बैठे हो, आज ये नहीं तो कल वो, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो मैं भगवान के दरबार की बात कर रही हूँ, उसके दरबार में आके बैठो, फिर देखना कैसे काम होते हैं। उसके दरबार में तो आए ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को आप भर दीजिए, प्यार से भर दीजिए। इसमें लिखा है कि माँ, कृपया संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने प्यार से भर दीजिए, परमात्मा मय कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरा भी विचार है, लेकिन इसके वाहक आप लोग हैं, इसके चैनल आप लोग हैं। अगर मैं खुद सब कर सकती तो मैं क्यों आपके शरण में आती? मनुष्य के ही माध्यम से होने वाला है, या आप ही के माध्यम से होने वाला है, इसलिए आप लोग सामने आइए और फिर सब करेंगे। There is a request from the Western Sahyogis, those who are singers may come on the stage.
अकबर इज अ ग्रेट ही इज देयर. आई मस्ट से बुलगांग यू हैव रियली बिकम अ रियल रियल यू कैन जॉइन पॉप म्यूजिक ऑल्सो. सहज सहज पॉप म्यूजिक सहज. रंजन शर्मा. रंजन शर्मा एक म्यूजिक अभी हो जाएगा फिर मैं चली जाऊंगी. ये आप लोग रुके रहिएगा और ये सब आप पे जो कुछ काम करना है कर लेंगे, पर फिर इसी से संतुष्ट ना होइएगा, आगे भी बढ़ना है. और आपको खुद इसमें जैसे कहा निष्णात प्रवीण होने की बात है. जिन लोगों के प्रश्न रह गए हों कृपया आप लोग हमारे सेंटर पर आइए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हर प्रकार से आपकी मदद करने की और हर प्रकार से आपको सहयोग देंगे. कृपया सेंटर पर आइए. तो सब जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा हर सेंटर का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, वो आप कॉपी ले लीजिए. किसी भी जगह बगैर आप बतलाए उस टाइम पर पहुँच जाएंगे, सब आपकी मदद करेंगे. बस आप वहाँ जाकर इतना ही कहिए कि मैं सहयोग को सीखने आया हूँ, बस बाकी सारा कार्य वो करेंगे, आपको फिर कुछ नहीं करना है. वो जाना है ना शास्त्री जी के. मिस्टर धर्मवीर कहीं हूँ. एक मिनट, ये बड़ा अच्छा सवाल. हाउ कैन क्लास एंड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड इन इंडिया, व्हाट कैन शुड बी द पीपल डू ऑटोमेटिकली. यू सी हियर पीपल आर सिटिंग फ्रॉम 56 नेशंस of different religion, different caste. They are all one. It's finished. Because once you become that, you are a part and parcel of the whole. You become a Vishwadharmi. There is no caste. You don't have to tell, you just become. Can you tell anybody's caste here? Nobody knows. He says that is it possible to Kundalini awakens without help of it? No, cannot. Like a, now see these light, these are not enlightened lights. They cannot get enlightened by themselves. You have to use some enlightened light to enlighten them. That's all. It's very simple. आप लोगों से एक और गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बाद में यहाँ बगल में हमारी एक सहयोग की एग्जीबिशन लगी हुई है, उसको देख करके आप जाएं. बगल में टेंट में लगी. पहले इनको ठीक तो करिए उसके बाद. काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेबा, सर्वनिवासी सदा लेबा, तोहे संग समाई, तोहे संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे
खोजन जाए। पुष्पमध्य जो वास बसत है, पुष्पमध्य जो वास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सदा निवासे सदा ले बा, सदा निवासे सदा ले बा, तोहे संग समाई, तोहे संग समाई, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। एको जानो बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताए, यह गुरु ज्ञान बताए, बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताए, कहे नानक बिन आपा जीने, कहे नानक बिन आपा जीने, कहे नानक बिन आपा जीने, मिटे न भ्रम की काई, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन भोजन जाए, काहे रे बन भोजन जाए, सर्वनिवासे सदा ले पा, सर्वनिवासे सदा ले पा, तोहे संग समाए, तोहे संग समाए, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन, काहे रे बन, काहे रे बन खोजन जाए। इन लोगों के साथ मिलके कोई गा लो, एक 1 मिनट इफ यू कैन वेट, वी हैव वन Indian gentleman who has learned French and he has made poems in French language. So I would like him to say something because I think the French would be very happy to hear French language. Khali karunga. Ananta Ashira. Yeah. Khali karunga. नीचे कर दीजिए इनके लायक या उबेरा।
जरा स्पष्ट बोला आम्ही सगळ्यांना ऐकायला आलो का. जय श्री माताजी. समोर जरा तो लजूर तू वैंते अमास से लजू दला ने सास नोत्र शेर माताजी की ये श्री निर्मला देवी जी लजूर दू वैंते अमास से लजू दला ने सास नोत्र शेर माताजी की ये श्री निर्मला देवी जी से लग्रां जूर पूर्णू कावू जेत वन्यू पूर फेर साखरे लुमोंद अवेकल सहज योग लजूर दू वैंते अमास से लजू दला निसान द नोत्र शेर माताजी की ये श्री निर्मला देवी जी से नोत्र बोनर कबूज दोनों का तो फिर साखर नोजाम अवेकल सहज धाम लजूर दू वैंते अमास से लजू दला निसान नोत्र शेर माताजी की ये श्री निर्मला देवी जी जब सुवे पार कर लबो नानी वैसे कि वो में ले स्वासों तो वो त्रवो यार लजू दू वांते अमार से लजू दला निसान तो नोत्र शेर माताजी की है श्री निर्मला देवी जी जब सुए आपार दतुल मो वीव श्री माताजी वीव श्री माताजी वीव श्री माताजी पूर्ले सहज योगी लजूर लजूर दू वैंते अमार से लजू दला निसार लजूर दू भैंते अमार से लजू दला निसार नोत्र शेर माताजी की ये श्री निर्मला देवी जी की ये श्री निर्मला देवी जी की ये श्री निर्मला देवी जी. जय श्री माता जी. आय थिंक सम फ्रेंच लीडर शुड मीट हिम एंड टॉक टू हिम. तिकडे बसलेत समोर जाऊ कमला त्यांच्याशी बेटा आहे फ्रेंच फ्रान्सचे लीडर. Now, one from you, sab milke gaana, jo bhi ho. Search ka gaana.
देवे हम सबका उपकार करे तू बात सुख देवे सब धर्मों को छोड़ शरण में सब धर्मों को छोड़ शरण में आय शरण तिहारे ऐसी अच्छी जगह आध्यात्मिक जगह हम लोग बैठे हैं जहाँ निज़ामुद्दीन साहब का दरबार है अमीर खुसरो उनके शिष्य थे उनका दरबार और अब पता हुआ कि फतेह शाह साहब का भी दरबार यहीं है
इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, चारों तरफ छाया। तो अब आप लोग सब इन लोगों के नाम पर दुआ मांगे, देखिए हाथ ऐसे करिए, ठंडी ठंडी हवा, ये तो सब यहाँ बैठे हुए हैं आए हुए, और इत्तफाक नहीं है ये, सहज बात कि यहीं हम लोग पहुँच गए सब। उन्होंने कहा था कि यहाँ मुसलमान रहते हैं, वो यहाँ बॉम्ब छोड़ेंगे, वो बॉम्ब क्या छोड़ेंगे, वो तो आ गए मुझे चादर चढ़ाने। उल्टी बात हो गई, ये तो सब अपने ही लोग, हम लोग सब एक ही, सब संत लोग हैं, सब एक ही, संतों में कभी झगड़ा नहीं। एक बार नामदेव जो बाद में पंजाब गए थे, वो दर्जी थे और गोरा कुमार जो थे वो कुमार थे, तो नामदेव गोरा कुमार को देखने गए, मिलने गए, एक संत एक दूसरे संत को मिलेगा। तो गोरा कुमार मिट्टी उस वक्त कौन रहे थे, उनको देखते साथ एकदम खड़े हो गए नामदेव, और मराठी में उन्होंने कहा है कि निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी, निर्गुण को देखने आया था मैं चैतन्य को देखने, वो तो सगुण में खड़ा है तेरे, ये सिर्फ एक संत ही संत को कह सकता। फिर नामदेव पंजाब गए, पंजाब में बड़ा उनका स्वागत किया नानक साहब ने, और उनके बहुत सारे दोहे ग्रंथ साहब में रखे, उन्होंने फिर वहाँ पंजाबी सीखी, और इतना बड़ा उनका ग्रंथ है जिसका कि पंजाबी में लिखा है और मराठी में ट्रांसलेशन है उसका, वो महाराष्ट्र के थे। गुरु गोविंद साहब भी नांदेड़ में आए, वहाँ उनको समाधि। उस वक्त संतों में कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि संत सब जानते हैं कि सत्य एक है। हर तरह के संत, आप जानते हैं कि अमीर खुसरो ने कितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं सत्य के ऊपर। ये हम ही लोग झगड़ा कर रहे हैं, जब तक हम सत्य को नहीं जानते ये झगड़ा बना रहेगा। ये तो सब अपने ही लोग हैं, इन्होंने कितना कार्य किया है, उस कार्य का फल स्वरूप ही आज सहयोग है। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का कोई सवाल ही नहीं। इंग्लैंड में भी विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, हर जगह हर देश में ऐसे बड़े बड़े संत पैदा हुए, और उनके विचार उनकी चीज़ें एक जैसी, उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं। फ़र्क तो हम लोग खोजते हैं, हमारी दृष्टि खराब है। तो सारे सिखों को भी सहज में उतरना है, सहज समाधि लागी कही है उन्होंने। और मैंने देखा कि सिख और मुसलमान पहले पार होते हैं, पर आए तो सही, आते ही नहीं। आए, बुलाइए सबको, पाने की चीज़ जो है उसे पाना चाहिए। सबको अनंत आशीर्वाद। ठंडक सी हाथ में आई, यही चैतन्य है, देखिए यही चैतन्य है। सबके हाथ में ठंडक सी आई, आप देखिए सर से भी ठंडक सी आ रही, सब लोग देखिए सर से ऊपर देखिए, पगड़ी उतारने की जरूरत नहीं, ऐसी देखिए बराबर ठंडक आएगी पगड़ी के अंदर से। अब राइट हैंड हमारे और करके देखिए, लेफ्ट हैंड से ये लीजिए, फिर से देखिए, तो ये शहनाई वाजवणारे सगळे नाव, शहनाईचे वाजवणारे होते त्यांनी, बिस्मिल्लाह करणे, शहनाई नवाज, बिस्मिल्लाह खान, वो भी रियलाइज सोल, वो आए थे एक बार स्विट्ज़रलैंड में, तो इन सबको देख के कह लें माँ ये तो एकदम खालिस लोग हैं, निर्मल खालिस,
तो मैंने कहा कि हाँ है तो खालिस। तो कहले वो लोग वहाँ क्या बना रहे हैं। मैंने कहा उनसे जाके पूछो, हमने तो बना लिया खालिस्तान। ये खालिस, अंदर से खालिस होना चाहिए, ये खास चीज। सबको अनंत आशीर्वाद है, खासकर पंजाब जहाँ मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है मेरी, मुझे उसके लिए बहुत अनुकंपा, बहुत ज़्यादा अनुकंपा है। और परमात्मा की कृपा से चीज़ ठीक हो रही है। सबको आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद है। सब सुख चैन से रहो, आराम से रहो। परमात्मा ने आप ही के लिए दुनिया बनाई हुई, अब कोई तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। सबको अनंत आशीर्वाद। काम के लिए सगळा यहाँ पर से पर्चा आप ले लीजिए। जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो श्री माता जी की फोटो यहाँ से ले लेंगे, ये फ्री है। एक छोटी सी किताब है ध्यान करने, अगर वो चाहते हैं उसका कुछ थोड़ा सा मूल्य अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये कुतुबुद्दीन साहब हैं जिन्होंने सारा यहाँ पर ये रचाया है। मुझे इसकी शान से ही लग रहा था कि इसके पीछे कोई मुसलमान का ही हाथ होना चाहिए। जब श्री माता जी यहाँ से चली जाएं उसके बाद आप यहाँ पर के ले लीजिए परचेस, तब तक शांत रहिए कृपया।